Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So today we are going to start a new lesson, that is chapter number 13, and the name of the lesson is Keeping Healthy. Now, the meaning of keeping healthy means in Hindi, swasth rakhe. Swasth rahe. Okay, so hume swasth kaise rehna hai? Aaj hum us bare mein read karenge. So, take out page number 58 of your book and keep finger and read behind me. Our body performs ka matlab kya hai? Performs ka means puran karna, ya in English we will say to carry out, aur Hindi mein iska matlab hai puran karna, koi bhi kaam ko pura karna, usse hum kehte hain perform. Okay, to our body perform a lot of work for us. Hamara shareer hamare liye bahut kaam karta hai. We must take care of our body to remain fit and healthy. So hame fit aur swasth rehne ke liye hame apne shareer ka dhyan rakhna chahiye. तो इस पैराग्राफ में वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा शरीर है हमारे लिए बहुत काम करता है. फिट और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए. फिट का मतलब अच्छा स्वास्थ्य. फिट का हिंदी में मीनिंग क्या है? अच्छा स्वास्थ्य. स्वस्थ मीन्स हेल्थ. अच्छा स्वस्थ. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. वी मस्ट कीप आर सेल्फ क्लीन, टेक रेस्ट, एक्सरसाइज एंड प्ले. हमें खुद को साफ रखना चाहिए. टेक रेस्ट मीन्स आराम करना चाहिए. व्यायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए और खेलना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट कीप आर सेल्फ. हमें अपने आप को, पहला पॉइंट क्या है? क्लीन, साफ रखना चाहिए. ओके, साफ कैसे रखेंगे हम? हमें साफ कैसे रखना चाहिए? साफ कैसे रखना चाहिए? रोज नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे. फिर टेक केयर, टेक रेस्ट, हमें आराम करना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, मीन्स व्यायाम करना चाहिए. और लास्ट वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए. तो इस तरह से करके हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कीपिंग क्लीन, हमें कैसे अपने आप को साफ रखना चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग. व्हेन आई सेड कीपिंग क्लीन, व्हाट कम इन योर माइंड बेटा? आपके दिमाग में क्या आता है? साफ रख, क्लीन मीन्स साफ, कीपिंग मीन्स रखना चाहिए. हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए. इसके लिए पॉइंट्स हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड. तो हमें सबसे पहले अपने दांतों को दिन में दो बार, कितनी बारी? टू बार
ब्रश करें एक बारी सुबह और एक बारी रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले। रात को जब आप ब्रश करें तो उसके बाद आपको कुछ भी खाना नहीं होता है। तो जब आप ब्रश करके सोएंगे तो जो हमारे मुंह में कीटाणु हैं वो नहीं होंगे और आपके दांत एकदम चमकदार रहेंगे। सो पहला क्या है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मीन दो बार ट्वाइस अ डे, एक बारी सुबह और एक बारी सोने से पहले खाना खाने के बाद। दूसरा, टेक अ बाथ डेली एंड वेयर क्लीन क्लोथ। रोज़ हमें नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। ओके, वी शुड बाथ डेली एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स। एक हमें रोज़ नहाना चाहिए और हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। थर्ड, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। यू शुड हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी। सो वॉश योर हैंड्स बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में, ईटिंग मीन्स खाने के। तो आपको आपके हाथ खाने से पहले भी और खाने के बाद भी धोने चाहिए। फिर ऑयल एंड कॉम योर हेयर एवरी डे। ऑयल मीन्स तेल, आपके बालों को हमेशा हर रोज़ तेल लगाना चाहिए एंड कॉम मीन्स कंघी करनी चाहिए। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, तेल और कंघी। ओके, ऑयल एंड कॉम योर हेयर comb your hair daily. Okay? Next is trim your nails regularly. Trim means साफ सुथरा। ओके, यहाँ काटना, जैसे हमारे nails बड़े बड़े, आप छोटे बच्चों का क्या होते हैं, nails बड़े बड़े होते हैं, nails में क्या होता है, फिर मैल चली जाती है। जब वो गंदी मैल चली जाएगी तो आप जब खाना खाओगे तो उससे क्या होगा, गंदी मैल हमारे अंदर जाएगी और आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो उससे और ज़्यादा गंदगी जाएगी। तो दूसरा क्या है, ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखूनों को साफ सुथरा रखें। एंड लास्ट वन, कवर योर माउथ व्हाइल कॉफिंग और स्नीजिंग। तो जब भी आप खांसी करते हैं या छींकते हैं तो हमेशा अपना हाथ मुंह पे रखना चाहिए। सो कवर योर माउथ व्हाइल कॉफिंग, कॉफिंग मीन्स खांसी एंड स्नीजिंग, स्नीजिंग मीन छींके। ओके, आई एम राइटिंग ओवर देयर, कॉफिंग मीन्स कॉफिंग में खांसना एंड स्नीजिंग मीन्स छींक। ओके, तो जब आप खांसते हैं तो छींकते हैं, अपना हैंड या अपना हैंड की मुंह पर रखना चाहिए। ओके, क्लास एक्टिविटी वी विल डू इन लास्ट। नाउ लास्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग फिट। नेक्स्ट इज कीपिंग फिट। तो कीपिंग फिट में हमारे पास टू पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट रीड दैट, फिर मैं समझाती हूँ। पहला पॉइंट है रेस्ट, एक आपकी रेस्ट बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने में, और दूसरा
एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम। वी गेट टायर्ड। टायर्ड का मतलब थक जाना, ओके, थकना। टायर्ड का मतलब थकना। वी गेट टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क एंड प्ले एंड नीड टू रेस्ट। वो कहता है कि हमें आराम करना और खेलने के बाद थक जाते हैं और आराम करने की ज़रूरत होती है। अ साउंड स्लीप गिव अस रेस्ट। एक द्वीन, द्वीन साउंड मीन गहरी नींद। जब कोई हमें उठाए ना, जब हमें कुछ पता ही ना हो दीन दुनिया का, तो वो क्या है? हमारी साउंड स्लीप। अ साउंड स्लीप गिव अस रेस्ट। अ द्वीन नींद हमें आराम देती है। वी शुड स्लीप फॉर 8 hours इन अ डे। तो हमें कितने घंटे सोना चाहिए एक दिन में? इन वन डे यू शुड स्लीप हाउ मैनी आवर्स? 8 hours। आवर्स मतलब घंटे, टाइम, ओके। 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए, तभी हमारा जो बॉडी है वो फिट रहेगी और हम रेस्ट उसे मानेंगे। सेकेंड आपका आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या है? व्यायाम। यू शुड ऑल्सो डू एक्सरसाइज एंड से योर पेरेंट्स ऑल्सो डू एक्सरसाइज। पेरेंट्स को भी बोला और खुद भी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज मेक आर बॉडी स्ट्रॉन्ग। व्यायाम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स आर बॉडी पार्ट्स टू मूव ईजली। ये हमारे शरीर के अंगों को आसानी से हिलाने करने में मदद करता है। रनिंग भागना, वॉकिंग चलना एंड स्विमिंग तैरना आर गुड एक्सरसाइजेज। तो इसमें इन्होंने 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं। कौन कौन सी? रनिंग, रनिंग मीन्स भागना, वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स सैर करना और चलना, एंड थर्ड वन दे हैव टोल्ड स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स तैरना। तो ये मेन 3 एक्सरसाइज बताई हैं। दे मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट। वह हमें मजबूत और फिट बनाते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? पहला रेस्ट पढ़ा, आराम, कि हमें आराम करना और खेलने के बाद थक जाते हैं और आराम करने की ज़रूरत होती है। एक दवीन नींद हमें आराम देती है। हमें एक दिन में 8 घंटे सोना चाहिए। दूसरा है व्यायाम। व्यायाम हमारे शरीर की मजबूत बनाते हैं। ये हमारे शरीर के अंगों को आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। दौड़ना, चलना और तैरना अच्छे व्यायाम हैं। वे हमें मजबूत और तंदुरुस्त फिट बनाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग गुड हैबिट्स। नाउ इन अ पिक्चर यू कैन सी अ बॉय इज रनिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग, ओके। सो लास्ट वन इज डेवलपिंग। डेवलपिंग मीन्स बनाना, उत्पन्न करना। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को अपने आप में कैसे लेकर आना वो बता रहा है। फर्स्ट इज फॉलोइंग, अच्छी आदतों का पालन करने में हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। फॉलोइंग गुड हैबिट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। फर्स्ट थ्रो लिटर इन द डस्टबिन। लिटर का मतलब जैसे आपके अंकल चिप्स के पैकेट हो गया, गंद, उसे हम बोलते हैं लिटर। जो भी आपका पेपर है या गंद है उसे डस्टबिन में ही डालना चाहिए। नेवर स्पिट ऑन द फ्लोर। लिटर मीन्स कूड़ा, ओके, कूड़ा।
दूसरा हमने पढ़ा स्पिट। स्पिट का मतलब है थूकना। थूकना, हमें कभी भी नीचे फर्श पर थूकना नहीं चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स। बाइट मीन्स ऐसे करना, दांत ऐसे कभी भी बाइट नहीं करना चाहिए अपने नेल्स को। ओके, वी शुड नॉट लिक आवर फिंगर्स। लिक मीन्स चाटना। लिक मीन्स चाटना, जब आप खाना खा लेते हो आपको कुछ टेस्टी लगता है तो हमें अपनी उंगलियां नहीं चाटनी चाहिए। ऑलवेज ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ सुथरा खाना खारा पानी साफ पानी पीना चाहिए। तो पांच पॉइंट हमने कौन सा पढ़े हैं, अच्छी आदतों का पालन करने से हमें स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। पहला, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें। जैसे आपका कुछ भी डस्ट वगैरह है या पेपर है या चिप्स खाए हैं उनको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। कभी भी फर्श पर थूकना नहीं चाहिए। अपने नाखून मत काटो। हमें खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटना नहीं चाहिए और हमेशा साफ खाना खाएं और साफ पानी पिएं। So this is all about today. Today we have complete lesson number 13. Tomorrow we will do classroom activity and book exercise. So that's all for the day. Thank you. Bye bye. Take care.